कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। गाइस आज मैं आपको चेस्ट के लिए एकदम हार्ड वर्कआउट बताऊंगा 6 सेट जो चेस्ट की गेनिंग के लिए है। पूरी वीडियो देखना गाइस। कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप 10 से 15 मिनट पूरी बॉडी का वार्म अप करना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके से कुल मिला के पूरा पार्ट वार्म अप होना बहुत जरूरी है। गाइस तो पहला वर्कआउट है फ्लैट बेंच। इसके 3 सेट लगाने हैं, 12, 10 और 8। जब भी अपनों को गेनिंग में एक्सरसाइज करनी है ना तो रेपिटेशन ज्यादा नहीं मारने हैं। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच पे इंक्लाइन डंपल। तुरंत उसके बाद इसके भी 3 सेट लगाने हैं, 12, 10 और 8। जब भी आप गेनिंग का वर्कआउट करोगे तो रेपिटेशन ज्यादा नहीं मारने हैं गाइस। सिलो लेके आना है, इस तरीके से उठाना है बिल्कुल। गाइस तो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच। इसके भी इतने सेट लगाने, इतने रेपिटेशन लगाने। एकदम सिलो लेके आना है और टच नहीं करना है बॉडी से। गाइस तो चौथे नंबर की एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच और फ्लैट डंपल। पांचवें नंबर की एक्सरसाइज है, ये एकदम न्यू सेट है। ये जो मेरे भाइयों से केबल क्रॉस नहीं लग पाता है ना, उसी के लिए आपको न्यू सेट बताता हूं। आसानी से लग जाएगा और रिजल्ट भी बहुत है। क्या है ना, इससे अपनी पूरी पीठ टिक जाएगी। एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को बहुत कम लोगों से लग पाती है एकदम परफेक्ट। आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पोजीशन रखनी है और किस तरीके से सेट लगाना है। इसमें क्या है ना, मुड्डे में इंजरी होने का बहुत डर रहता है अगर आप गलत लगाओगे तो। पूरी पहले मुड़ी नीचे मुड्ढा देखना है ओनली। है
गाइस, तो ये मैंने आपको चेस्ट की पूरा वर्कआउट बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता देना कि मैं नेक्स्ट टाइम काय की वीडियो बनाऊं। और गाइस, अगर आपकी एनर्जी बची है तो चेस्ट के बाद में आप पुशअप्स लगा सकते हो। पंद्रह पंद्रह के तीन सेट आप लगा सकते हो और पूरा वर्कआउट करोगे आप, बहुत मजा आ जाएगा।